रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको मेरा दुआओं भरा सलाम पहुंचे। मैं आपको एनीस किचन डायरीज में वेलकम करती हूं और अल्लाह ताला से दुआ करती हूं कि आप जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे और इसमें बरकत, इलाही आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कीमे के चपली कबाब। और इसके लिए जो हमें अज्जा दरकार है वो कुछ यूँ है। मैंने 1200 ग्राम कीमा लिया है, इसमें 100 ग्राम हमने जो चर्बी डलवाई है उसके साथ ही 1200 ग्राम बनता है, 1 किलो 200 ग्राम। 4 अदद हमने मोटी मोटी हरी मिर्च चॉप कर ली है, 1 बंच हमने हरा धनिया चॉप किया है और ये 3 अदद बड़ी साइज की प्याज है, इसको हमने चॉप करके इसका पानी निचोड़ दिया है। और ये 1 टेबल स्पून हमने कुटा हुआ धनिया लिया है, 1 टी स्पून हमने काली मिर्च ली है कुटी हुई मोटी मोटी, और 1 टी स्पून हमने लाल कुटी मिर्ची ली है, 1/2 टी स्पून हल्दी और 1/2 टी स्पून गर्म मसाला, 1 अंडा, 1 टमाटर और 3 टेबल स्पून हमने भर के कुटा हुआ लहसुन अदरक लिया है। और ये शान का डब्बा है और ये हमने 1/2 कप हमने वो लिया है मकई का आटा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए व्यूअर्स, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है ना वो ये शान का मसाला है, ये चपली कबाब मसाला। इससे बहुत ही बेहतरीन से कबाब बन के तैयार होंगे और आप लोग इसको बनाने में मजबूर हो जाएंगे। तो आइए हम लोग तमाम मसाले मिला लेते हैं। पहले ये खुश मसाले हम इसमें डालेंगे, ये देखिए, ये मैं पूरा पैकेट डालूंगी इसमें, ये पूरा पैकेट जाएगा। छोटा लग रहा है तो मैं इसमें कन्वर्ट कर देती हूँ। मसाला मिलाना है हमने, मसाला मिलाने के बाद हमने इसमें ये आटा है मकई का, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बस आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको पता है कि शान के मसालों की तो बात ही कुछ और है। और जैसे बकरीद करीब आ रही है, बकरीद पे तो आपको पता है कि शान के बारबेक्यू मसाले के बगैर तो कोई भी इंग्रेडिएंट्स तैयार ही नहीं होता। तमाम जितने भी बारबेक्यू बनते हैं उसमें शान का मसाला जब तक शामिल ना हो तो वो उठता नहीं है मसाला। तो इसलिए ये आप लोग के झटपट बनने वाले चपली कबाब हैं, तो आप लोग बनाइएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और अगर टाइम नहीं है या आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आपने बस ये डब्बा खोला और मिलाया और बना लिया, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और जायका भी बहुत बेहतरीन होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि शान वाकई शानदार है। ये देखिए मैंने मिक्स कर दिए, अब मैं इसको पीस लूँगी चॉपर में। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा कीमा ये हमने चॉप कर लिया है। और ये देखिए इसमें अगर हमने इसमें 100 ग्राम से फैट डाला है, अगर आपके पास फैट ना हो तो आप इसमें 2 से 3 टेबल स्पून घी या ऑयल डाल सकते हैं, इसलिए कि फिर वो उसे सूखे सूखे खुश नहीं लगेंगे। अब हम अपने इसमें ग्रीन मसाले डालेंगे, तमाम मसाले मिलाकर इनको मिला लेंगे और इसको हम अच्छी तरह से इसको जैसे आटा गूंथते हैं इस तरह करेंगे, हम थोड़ा ना मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से। और इसको हम 1 या 1/2 घंटे के लिए रख देंगे थोड़े, ताकि इसमें मसाले एडजस्ट हो जाए। और फिर हम जब इसे फ्राई करेंगे तो इसमें टमाटर कट करके लगाएंगे, उसे फ्राई करेंगे तो वैसे बहुत मज़ेदार बन के तैयार होंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और आगे आगे जैसे बकरीद भी आ रही है, बकरीद में आपको पता है कि टाइम नहीं होता घर में, काम माशाल्लाह कुर्बानी की वजह से इतने बड़े हुए होते हैं, तो आप ये शान का मसाला ज़रूर मंगाइएगा और ज़रूर इस तरह कबाब बना के ट्राई कीजिएगा और सबसे तारीफें पाइएगा इंशाल्लाह ताला। ये देखिए हमने इसको 1/2 घंटे मैरिनेट करके रख दिया था, फिर माशाल्लाह से अच्छा खासा मैरिनेट हो गया। और ये टमाटर मैंने जो लिया था इसे कट कर लिया और एक प्याली मैंने तलने के लिए तेल लिया है। और मुझे इसमें नमक थोड़ा कम लगा था तो मैंने इसमें 1/4 चम्मच सिर्फ 1/4 टीस्पून डाला, इसलिए मैंने नमक का इस्तेमाल आपने देखा बिल्कुल नहीं किया था और मुझे थोड़ा कम लगा था, मैंने 1/4 टीस्पून डाला है। आप ज़्यादा नमक मत डालिएगा। और 1 अंडा मैंने और डाला है इसलिए कि मुझे लग रहा था कि 2 अंडे जाने चाहिए इसमें, इसलिए कीमा ज़्यादा था ना
तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग कबाब बना लेते हैं। देखिए हमने बड़े बड़े कबाब बनाने। आपने टमाटर लेके और दबा के इसके अंदर आपने ना रखना है ताकि अंदर तक चला जाए, वरना फिर निकल जाता है ना, टमाटर तलते टाइम निकल जाता है। तो देखिए फिर आपने बनाने और इसको मीडियम आंच पे आपने फ्राई करना है। ये देखिए इस तरह आपने कबाब बनाने तमाम। ये देखिए व्यूअर्स, आपको पता है कि हाथ के हाथ बनते हैं और डलते हैं, रखे नहीं जाते ना, थोड़ा नरम होता है ना इसका बैटर। तो ये देखिए आपने मीडियम आंच पे बनाने हैं और इसको डीप फ्राई करना है इस तरह। ये देखिए इस तरह इसको थोड़ा पतला पतला करके आपने डालना है, ये भी सुकड़ के छोटे हो जाते हैं ना। इसको आपने मीडियम आंच पे बनाना है ताकि अंदर से कच्चे ना रहे। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारे ये कबाब कितने प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये अभी लाइट हो जाएंगे इधर से गोल्डन, तो मैं इसको टर्न कर दूंगी और ये हल्की आंच पे बनेंगे मीडियम पे, ताकि अंदर से कच्चे ना रहे। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा इंशाल्लाह ताला। देखिए अब हम इसे टर्न करते हैं, ये हमारे कबाब गोल्डन हो गए नीचे से। ये देखिए माशाल्लाह से ये कलर हमें चाहिए और हम इसको मीडियम आंच पे फ्राई कर रहे हैं ताकि हमारे अंदर तक से पक जाए। देखिए माशाल्लाह से कितने बेहतरीन से तैयार हुए हैं। देखिए लोग माशाल्लाह से हमारे कबाब माशाल्लाह से रेडी हो गए, मैं आपको लुक दिखाती हूँ। ये देखिए ये इस कलर का ही हमें चाहिए, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना जबरदस्त लुक आया। और ये देखिए ये भी हमारे फ्राई हो रहे हैं कबाब। तो ये देखिए जबरदस्त से इसकी लुक देखिए कबाब की, माशाल्लाह से इतनी जबरदस्त आई है, गोल्डन इस तरह के चाहिए हमें। तो देखिए हमारे कबाब माशाल्लाह तैयार हो गए, बड़े क्रिस्पी बने। तो इसके साथ मैंने ये हरी मिर्चें भी फ्राई की हैं, बहुत अच्छी लगती है कबाब के साथ, ये ऑप्शनल है, ये मैंने अपने लिए तली थी ना, तो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग तलिएगा। और ये मैंने रायता बनाया है मिक्स, इसमें मैंने क्या कहते हैं खीरा टमाटर और दही का रायता है सर्व करने के लिए। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए, बल्कि शाम की रेसिपी पसंद आए, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप जब ट्राई करेंगे तो कहने पे मजबूर हो जाएंगे, वाकई शान शानदार है। तो अल्लाह हाफिज़।